वेट वो इस मैंने यहाँ पे रीस्पॉन किया, ये मैं किस जगह पे आ गया? ओके वेट वेट वेट, ये कुछ हल्दे की जगह है बट उस डायमेंशन डायमेंशन से तो बाहर आ चुका हूँ। और भाई बहुत प्यारी सी जगह है यार ये। तो गाइस रीस्पॉन होते ही मैं एक ऐसी जगह पे आ जाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है, और मैं उस वर्ड से फाइनली बाहर निकल जाता हूँ। एंड इसका मतलब तो यार यही था कि अभी जो है डेमन सेम्पी का जो सीज़न 2 है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से मैं सेम्पी से लेफ्ट मार देता हूँ। तो वही सर आज मैं वापस से सेम्पी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। एंड जैसे एस एम पी का स्टार्टिंग डेट 16 है बट मैं 14 को ही ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड मैं क्यों इसको ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वही सर मैं आपको अपने एक्चुअल प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। तो वही सर मेरे पास ये प्लान है कि हम लोग एस एम पी की हम लोगों ने सब लोगों को बताया कि भाई 16 डेट, और सभी लोगों को ये मालूम है कि एस एम पी जो 16 से स्टार्ट होने वाली, बट आज ये 14 और हम लोगों ने उससे 2 दिन पहले ही एस एम पी ज्वाइन कर लिए। एंड इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग एस एम पी का सबसे ज़्यादा डेट लिस्ट प्लेयर बन जाए। एस एम पी का सबसे ज़्यादा डेडलिस्ट प्लेयर बनने के लिए मैं दिन रात यहाँ पे माइनिंग पे तो लग जाता हूँ। 2 दिनों तक लगातार ग्राइंडिंग के बाद में मैंने अपने पास इतना तो सामान कर ही लिया था कि मैं इस एस एम पी में हर किसी को मार सकूँ। आज फाइनली 16 तारीख हो चुकी थी, इसका मतलब ये था कि आज से एस एम पी स्टार्ट है। एंड सारे एस एम पी में उसका इंतजार था 16 तारीख का, बट मुझे इंतजार था उन लोगों का। तो गाइस यार हम लोग इन लोगों के बीच में आ चुके हैं, एंड मैं फटाफट से भी डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेता हूँ इन लोगों से बात करने के लिए। एंड इन लोगों को मैं बिल्कुल मैं ना जानी कि मैंने क्या करके रखी प्लानिंग। सो भाई तुम्हारा भाई भी डेडली प्लेयर बनने वाला है तो लग जाते भाई काम पे, मैं वीसी वीसी में ज्वाइन कर लेता हूँ ठीक है। सो लेट्स गो गाइस यार मैंने वीसी ज्वाइन कर लिया। हेलो भाई क्या हाल है सबके? हेलो 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 हाँ भाई हेलो हाँ हाँ उचक लो उचक लो हाँ उचक लो। चलो तो गाइस मैं ये बोल रहा था पिछले सीजन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दर्द उठाया, जो पीड़ा उठाई है, अब उसके बाद में आज फिर हमारी डिमेंड सेम्पी का सीजन 2 चालू होने वाला है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को गाइस? गाइस कैसा लग रहा है यार? पापा पापा चलो अभी स्टार्ट करते, अभी स्टार्ट करते, 1 2 3 लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। गाइस गाइस इन लोगों को यार बिल्कुल भी अंदाजा नहीं यार अबीर को। नहीं 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 मेरा पहला किल लक्स। ओके पापा गए और ये नानू 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 गया। लेट्स गो व्हाट द भाई लक्स लक्स भाई व्हाट द वाली कोई बात नहीं यार। लेट्स गो गाइस अभी तो अभी हर्ट ग्राइंड होंगे यार, अभी तो हर्ट ग्राइंड होंगे यार भाई, ग्राइंड होंगे अभी हर्ट यार। ये अनौ बज गया ना गाइस अपने हाथों। रुको रुको गाइस मैं जानता हूँ मैंने आपसे अपनी थोड़ी सी चीटिंग करी है बट आई थिंक इज फेयर इन लव एंड वार। भाई अनु है किधर? इधर आ अनु एक बार तो मुझे मिल जाए मैं तेरे को एकदम मजे ला दूं। नानू गर किधर आओ नानू भैया, नानू भैया इधर आओ। हेलो नानू भैया एक ही टोर खा लो यार। हेलो अरे भाई क्या चीटिंग भैया? हाँ हाँ बहुत बढ़िया गाइस। गाइस हालत खराब कर दी मैंने सबकी बट अब बस यार अनु अनु किधर है के वेट पापा हे बेल के पीछे। ओ नानू तेरे में इतना दम, निकल 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 पीछे निकल। लक्स वहाँ पे खड़ा है। हाँ मेरे को मारने की धमकी मार मार के दिखाओ। ओ नहीं लक्स लेफ्ट हो गया गाइस। यार क्या चीटिंग भाई यार, सब कुछ फेयर यार लाइफ स्टाइल एसएमपी में, सब फेयर है भाई, सब फेयर है भाई लाइफ स्टाइल एसएमपी में। अरे भाई कौन सा, मैं तो बस आज आया हूँ यार। ओ नहीं कौन है ये? राजपूत, राजपूत नहीं। ओके नहीं भाई ये राजपूत और नानू भी आपस में लड़े जा रहे हो, और ये राजपूत ने भाई मेरे को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था बट तुम्हारा भाई भी एकदम हल गया दिवस में। आ जाओ भाई राजपूत के पहले निपटान, हट यहाँ से भैंस की टांग। तू इधर आ राजपूत इधर। अरे नानू तू तो हट, अरे तेको भी तो बचा रहा हूँ मैं। अरे ये नानू अलग नहीं मान रहा यार, नानू को भी तो मैं बचा रहा हूँ। नानू गर्ग वास लेन भाई राजपूत। वाह भाई अरे राजपूत ने भाई। ओके पापा राजपूत ने आपको निपटा दिया। ओह लेट्स गो गाइस राजपूत सबको, राजपूत ये राजपूत भी खत्म गाइस लेट्स गो। ओके गाइस मैं राजपूत यार अभी बस ना एक बंदा बच रहा है जो है अनव। अनव भाई तू है किधर? तू एक बार मेरे को मत मिल जा यार, बस तू एक बार मेरे को मिल जा भाई यार। बस अनव बच गया गाइस, अनव बच गया लेट्स गो। हाँ देख लिया जाएगा वो, अनव से पंगा मत लेना। एंड गाइस यार मैंने जो प्लेन बनाया था वो प्लेन वर्क कर चुका था, मैंने एस एम पी के हर एक बंदे को मार दिया था, यहाँ तक कि मैंने पापा और लक्स को ही मार दिया था जो कि मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। सबको मारने के बाद मैं बन चुका था एस एम पी का सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट प्लेयर द गैलेक्स।
इसके बाद मैं जानता था कि ये सब लोग मुझसे रिवेंज लेंगे, बट देखना ये कि मुझसे ये लोग रिवेंज लेने के लिए क्या करेंगे। या तो ये लोग मुझे ट्रेप करेंगे या सब लोग मुझे मिलकर मुझे मार देंगे। बट जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग एकदम डट कर सामना करेंगे।